एवरीवन, इससे पहले की क्लास में हमने आपको ये बताया था कि किस किस रूट से हम क्या करते हैं, ड्रग को अपनी बॉडी में एडमिनिस्टर कराते हैं। तो वो सारे रूट्स कंप्लीट हो गए थे, चाहे वो पेरेंट्रल दी जा रही हो, चाहे कोई भी दवा कहाँ से दी जा रही हो, टॉपिकल दी जा रही हो। फिर हमने ये पढ़ा था कि अगर ड्रग कहाँ पहुँच गई है, जीआईटी में, तो जीआईटी से बात कहाँ जाना, उसे ब्लड सर्कुलेशन में जाना है। तो ब्लड सर्कुलेशन में जाने के लिए उसे क्या क्रॉस करना पड़ता है, एक सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ता है। सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जब वो ब्लड में जाती है, तो जब वो सेल मेम्ब्रेन क्रॉस कर रही होती है तो उसके बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, कई सारे तरीके होते हैं, जैसे कि पैसिव डिफ्यूजन से जा सकता है, फिर जो कि क्या फॉलो करता था, कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट को फॉलो करता था, हायर से लोअर कंसेंट्रेशन में जाता था, फिर चाहे फिल्ट्रेशन हो चाहे ऑस्मोसिस हो, डिपेंड करता है कि ड्रग कैसी है, उसी हिसाब से वो जो है सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके कहाँ जाती है, ब्लड में जाती है। ये सारी चीजें हमें क्लियर हो गई थी। आज हम समझने वाले हैं कि फार्माकोकाइनेटिक्स के जो सारे स्टेप्स होते हैं, चाहे वो उसका एब्जॉर्प्शन हो, चाहे उसका डिफ्यूज होना हो, चाहे उसका मेटाबॉलिज्म करना हो, और चाहे उसका एक्सक्रीशन करना हो, तो ये सारी चीजें होती है फार्माकोकाइनेटिक्स में। हम आज सबसे पहले पढ़ेंगे कि एब्जॉर्प्शन क्या चीज होती है। पहले हम एब्जॉर्प्शन के डेफिनेशन को जानते हैं। क्या कहता है? इट इज द मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम इट्स साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनटू द ब्लड सर्कुलेशन। हमने क्या किया, ड्रग को लिया अपनी बॉडी में, बॉडी में लेने के बाद वो कहाँ कहाँ मूव हो रही है, और मूव हो रही है, मूव होने के बाद कहाँ जा रही है, सिस्टमिक सर्कुलेशन में जा रही है। ये सारे जो प्रोसीजर होता है वो होता है एब्जॉर्प्शन। हमने ओरली ली दवा, ठीक है, वो भी कहाँ जाएगी, सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगी, तो भी हम उसे एब्जॉर्प्शन ही कहेंगे। हमने ड्रग क्या ली, पेरेंट्रली इंजेक्शन लगवाया, तो भी वो कहाँ जाएगी, सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगी, और उसे हम एब्जॉर्प्शन कहेंगे। ये हो गई एब्जॉर्प्शन की डेफिनेशन का क्या रियल मतलब है, वो समझ गया। अब होता है कि अगर डिपेंड करता है कि आपकी ड्रग, जो आपने ड्रग ली है, वो कहाँ पे एब्जॉर्ब होगी, वो डिपेंड करता है कि ड्रग का नेचर कैसा है। जैसे अगर ड्रग क्या है, एसिडिक है, ड्रग अगर एसिडिक है जैसे कि एस्पिरिन, तो वो कहाँ पे जाकर के डिसॉल्व होगी, वो एब्जॉर्ब होगी स्टमक में, ठीक है। और अगर आपकी ड्रग क्या है, बेसिक, तो बेसिक है जैसे कि एट्रोपिन, तो ये कहाँ पे जाकर डिसॉल्व होती है, इंटेस्टाइन में। तो ये चीज क्लियर हो गई कि जो आपकी ड्रग है वो कहाँ पे जा सकती है, या तो स्टमक में जा सकती है, या तो इंटेस्टाइन में जा सकती है। अगर स्टमक में जाके एब्जॉर्ब होती है तो वो कैसी नेचर की होगी, एसिडिक होगी, और इंटेस्टाइन में जाकर के डिसॉल्व होती है तो वो कैसी होगी, बेसिक नेचर की होगी, ठीक है। पर ये जरूरी नहीं है कि जो हम ड्रग ले रहे हैं वो पूरी तरीके से एसिडिक ही हो या पूरी तरीके से बेसिक भी हो, कुछ वीक भी होते हैं। अगर हमने क्या किया, वीक एसिडिक ड्रग ले ली, तो वो कहाँ पे जाकर डिसॉल्व होगा, एसिडिक है तो स्टमक में ही डिसॉल्व होगा, लेकिन उसको पहले अनआयोनाइज्ड फॉर्म में चेंज होना होता है। अनआयोनाइज्ड फॉर्म में वो चेंज होगी, उसके बाद ही जाकर के स्टमक में डिसॉल्व होगी। ठीक इसी तरीके से हमारी बेसिक ड्रग के साथ भी होता है। बेसिक ड्रग जो कि अभी क्या है, वीक है, वीक है, तो वो भी आयनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट होगी और जाकर के इंटेस्टाइन में हमारी एब्जॉर्ब हो जाती है। ये चीज क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट आता है हमारा कि कुछ फैक्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं किसको, एब्जॉर्प्शन को। ये जो हमारी एब्जॉर्प्शन की जो पूरी प्रोसेस हो रही है, तो बहुत सारी चीजें आती हैं जो उसको, उसके जो एब्जॉर्प्शन रेट है ना, उसको घटा देंगी या बढ़ा देंगी। तो हमें तो क्या चाहिए, एब्जॉर्प्शन रेट ज्यादा ही चाहिए, पर कुछ चीजें हैं जो कम कर देती हैं, तो हमें दोनों ही चीजों के, दोनों ही फैक्टर के बारे में जानना होगा। तो पहला आता है सॉल्यूशन फॉर्म। अगर ड्रग हम जो है सॉल्यूशन फॉर्म में लेते हैं, तो उसका एब्जॉर्प्शन जो है बहुत ही ज्यादा होता है। जैसे वो सिरप वगैरह आती है ना, अगर आपने सिरप ले लिया तो उसका एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाएगा आपकी बॉडी में, जितना मतलब आपको रिक्वायर्ड होगा। अगर 100% आपने दवा ली है तो 100% आपकी बॉडी में जाएगा। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, मतलब उसका जो एब्जॉर्प्शन है वो ज्यादा ही होता है। फिर सॉल्यूशन दो तरीके का होता है, हमें पता है, एक होता है हमारा क्या, कंसंट्रेटेड, एक होता है डाइल्यूटेड। जो कंसंट्रेटेड होता है वो, उसका एब्जॉर्प्शन जो है वो ज्यादा होता है, और कोई भी ड्रग का अगर डाइल्यूशन फॉर्म में दे रहे हैं, डाइल्यूट करके दे रहे हैं, तो उसका एब्जॉर्प्शन कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है ड्रग की साइज। ड्रग की साइज कैसे डिपेंड करती है, अगर आप सपोज करिए आपने क्या लिया है, एक सॉलिड कोई चीज ले लिया, मान लीजिए रबड़ वगैरह कुछ ले रखा है, और साथ में आपने क्या रखा है,
पाउडर लेकर के रखा है, ठीक है। अब आप दोनों को आप फ्लो करा करके देखिए, तो जो पाउडर का फ्लो होगा वो बहुत ही तेजी से होगा, एक बार में बहुत सारे पाउडर जो है जमीन पे गिर जाएंगे, उसको आप काउंट करेंगे तो ज्यादा होगा। तो उसका फ्लो ज्यादा होता है, जो वो पाउडर फॉर्म की जो चीजें होती हैं उनका फ्लो ज्यादा होता है। अब आपकी जो पता है कि आपकी ड्रग कहाँ है, जीआईडी में है। जीआईडी से उसे कहाँ जाना है, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ब्लड में जाना है। सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है, पोर्स होते हैं। अब पोर्स होते हैं तो छोटे होते हैं, तो अगर कोई ऐसी ड्रग जिसकी साइज क्या है छोटी है तो वो इजिली सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ब्लड में चली जाएगी, लेकिन अगर बड़ी साइज की है तो उसे पहले टूटना होगा, टूटने के बाद ही वो उसको जो है छोटे में कन्वर्ट होगी और जाके क्रॉस करेगी। तो ये चीज क्लियर हो गई कि अगर आपकी जो ड्रग की साइज छोटी है तो उसका एब्जॉर्प्शन ज्यादा तेजी से होगा, ज्यादा होगा, और बड़ी साइज वाले का कम होगा। नेक्स्ट आता है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपेंड करता है कि आप ड्रग कहाँ से ले रहे हैं। अगर आप ड्रग ओरली ले रहे हैं तब तो आपका एब्जॉर्प्शन बहुत ही अच्छा होगा, बहुत तेजी से, मतलब सॉरी गलत बोल दिया मैंने। अगर आपने क्या किया, ड्रग लिया, और ड्रग लिया उसके बाद क्या है, उसका एब्जॉर्प्शन ओरली लिया है, तो उसका एब्जॉर्प्शन क्या होगा, वो अच्छा नहीं होगा। क्यों नहीं अच्छा होगा, क्योंकि उसे कहाँ जाना पड़ता है, लीवर से कांटेक्ट करना पड़ता है। हमने बताया ना वह ड्रग कहाँ चली जाती है, जीआईटी में जाती है, फिर हिपैटिक पोर्टल बीन होता है, हिपैटिक पोर्टल बीन से होते हैं वो लीवर में जाता है, लीवर में ड्रग मेटाबोलाइज हो जाती है। अगर आपने ड्रग 100% ली थी तो 70% ही ड्रग जो होती है आपके सिस्टम में सर्कुलेशन में जाती है, बाकी जो है मेटाबोलाइज हो जाती है लीवर में। तो ये डिपेंड करता है कि रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है। आपने अगर आईवी से ली है तो 100% ड्रग जो होती है वो बॉडी में चली जाती है, तो रूट्स भी अफेक्ट कर दिया हमारे किसको, एब्जॉर्प्शन को। नेक्स्ट आता है एक टर्म है, वो नहीं, इस टर्म से जानने से पहले हम ये जानते हैं कि अगर आपने ड्रग कैसे लिया है, एम्प्टी स्टमक पे लिया है। एम्प्टी स्टमक मतलब आपका क्या है, पेट खाली है। अगर आपका पेट भरा हुआ है, सपोज करिए आपने खूब सारा खाना खा लिया, ठीक है, उस टाइम अगर क्या करते हैं, दवा लेते हैं, तो क्या होगा कि दवा और खाना दोनों ही साथ में डाइजेस्ट हो रहे हैं, तो खाना भी डाइजेशन में बड़ा लंबा समय लगाता है। अब ड्रग बेचारे को जगह ही नहीं मिल रही है डाइजेस्ट होने के लिए, उसको तो थोड़ी सी जगह चाहिए। तो इसीलिए अगर आप जो ड्रग क्या करते हैं एम्प्टी स्टमक में लेते हैं तो उस ड्रग का एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है, उसको सरफेस एरिया ज्यादा मिल जाता है, वो आराम से फैल करके अपना एब्जॉर्ब हो जाता है। पर वही है, पेट भरा हुआ है तो उसका एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। नेक्स्ट आता है इंक्रीज ब्लड फ्लो। आपने कहा है सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके आपकी ड्रग जो है ब्लड में आ गई है। अब अगर ब्लड में फ्लो बहुत तेजी से हो रहा है, ब्लड का फ्लो मतलब एक जैसा चाहिए होता है उस तरह से बहुत ही तेजी तेजी से फ्लो हो रहा है, फ्लो हो रहा है, तो उसी टाइम आपकी जो ड्रग है वो भी साथ में बह जाएगी। कैसे, नदी में कोई चीज होती है, आप कोई चीज फेंकते हैं, कोई भी कागज नाव वगैरह बना करके फेंकते हैं तो वो धीरे धीरे तैरती है, लेकिन अगर पानी का बहाव बहुत तेज होता है तो आपकी नाव कहाँ चली जाती है, आप कभी खोज भी नहीं सकते। तो ठीक इसी तरीके से इसके साथ भी यही होता है कि अगर ब्लड फ्लो बहुत ज्यादा है तो आपकी जो ड्रग है वो भी बहुत तेजी से एब्जॉर्ब हो जाएगी। ड्रग जो है आपकी, अगर वो बहुत ही ज्यादा क्या है, हाइड्रोफिलिक है, या बहुत ही ज्यादा क्या है, हाइड्रोफोबिक है, दोनों ही कंडीशन में एब्जॉर्प्शन जो है बहुत ज्यादा पुअर होता है। एक लिमिट होती है, उसी लिमिट के अंदर ही अंदर एब्जॉर्प्शन अगर होता है तब तो ठीक है, नहीं तो अगर ये टू हो गया यानी बहुत ही ज्यादा हो गया तो फिर ये एब्जॉर्प्शन इसका बहुत ही खराब हो जाएगा। ये चीजें हो गई जो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि आपके एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं। अब एब्जॉर्प्शन से ही रिलेटेड एक टर्म है जिसको बोलते हैं बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी क्या चीज होती है वो हम समझते हैं। बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है, इट इज द फ्रैक्शन ऑफ ड्रग दैट रीचेस टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। मतलब ड्रग का वो फ्रैक्शन जो आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच गया वही होती है बायो अवेलेबिलिटी। हमने बताया बार बार फर्स्ट पास इफेक्ट क्या होता है, यानी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या चीज होती है, कि ड्रग आपकी क्या हो रही थी, लीवर में मेटाबोलाइज हो जा रही थी। अगर आपने 100% ली थी तो 70% सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाती है, बाकी 30% जो है लगभग लगभग मेटाबोलाइज हो जाती है लीवर में ही। तो ये जो फर्स्ट पास इफेक्ट होता है यही यही जो है इफेक्ट करता है बायो अवेलेबिलिटी को। अगर आपने क्या किया है, किस रूट से दवा ली है, अगर ओरली ली है तो फर्स्ट पास इफेक्ट हो जाएगा, उसकी बायोअवेलेबिलिटी जो होती है वो कम हो जाती है। लेकिन आप कैसे लेते हैं ड्रग, अगर आप आईवी के थ्रू ले रहे हैं तो आपकी जो बायोअवेलेबिलिटी है बहुत ही ज्यादा होगी, और 100 यूनिट आपने दवा ले रखी है तो 100 के 100 यूनिट आपके बॉडी में चली जाती है। ये चीज आपको क्लियर हो गई ना। नेक्स्ट आता है, दो चीजें होती हैं जो क्या करती हैं, बायोअवेलेबिलिटी को अफेक्ट करती हैं। वो क्या चीजें होती हैं,
डिसइंटीग्रेशन और डिसोल्यूशन रेट। अब ये चीज समझिए क्या होता है कि कोई भी ड्रग होती है तो वो कैसे बनती है, उसमें बहुत सारे बाइंडिंग एजेंट लगे होते हैं ना, जैसे कि जो कैसे हमारे जो पाउडर फॉर्म में ड्रग होती है ना तो उसको जोड़ने के लिए बाइंडिंग एजेंट, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट, बहुत सारे एजेंट उसमें लगे हुए होते हैं। तो जब वो क्या होगा, टूटने में लंबा समय लगा देगा, है ना, और जब वो टूटने में लंबा समय लगेगा तो उसके डिजोल्व होने में समय लगेगा, और डिजोल्व होने में समय लगेगा तो बायोबिलिटी को अफेक्ट पड़ेगा। अगर आपने वही सोल्यूशन के फॉर्म में कोई ड्रग ली है तो उसे डिसइंटीग्रेट नहीं होना है, उसे डायरेक्ट जाके डिजोल्व हो जाना है। तो ये दो चीजें हैं, डिसइंटीग्रेशन और डिसोल्यूशन जो है किसको अफेक्ट करते हैं, बायोअवेलेबिलिटी को। दूसरा टर्म होता है फर्स्ट पास इफेक्ट, जिसे हम आपको इतनी बार बता चुके हैं कि आपको दोबारा वो चीज याद करने या समझने की जरूरत नहीं है, वो अब तक आपको रट गई होगी। अब हम इसके आगे जो दूसरा टॉपिक है वो है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन क्या चीज होती है, कोई चीज हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कोई चीज ले आती है ना घर में, कोई पेरेंट्स वगैरह कोई भी चीज लेकर आते हैं तो क्या करते हैं, सारे बच्चों में बांट देते हैं, तो बराबर बराबर सब तक पहुंच जाता है। पर ये जो है ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसे क्या करना है, सबको नहीं ना बांटना है, जिस भी पार्ट में जरूरत होगी हम वही पार्ट में ही देते हैं। तो वही होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। इसको डेफिनेशन से समझते हैं, आफ्टर द ड्रग रीचेस इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन इट मे डिस्ट्रीब्यूटेड टू वेरियस टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। हमने ये पढ़ा था इससे पहले कि एब्जॉर्प्शन में क्या हो रहा था, कि जो हमारी ड्रग थी वो कहाँ चली गई थी, सिस्टमिक सर्कुलेशन में। अब हमें क्या करना है, ये पढ़ना है कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो सिस्टमिक सर्कुलेशन के बाद ड्रग जो है कहाँ जाएगी, टिश्यूज पे जाएगी और ऑर्गन्स पे जाएगी, जहां पे भी उस ड्रग के लिए रिसेप्टर मौजूद होगा। तो सिस्टमिक सर्कुलेशन से उसका टिश्यू और ऑर्गन पे जाने का जो स्टेप होता है वो होता है क्या, डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन को हम एक उससे समझते हैं, फॉर्मूले से समझते हैं। तो पहले ये जानते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम क्या लिख सकते हैं, बीडी। बीडी होता है टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग इन बॉडी अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा। प्लाज्मा मतलब ब्लड, तो कितनी कंसेंट्रेशन ऑफ ड्रग जो है प्लाज्मा में है उसका रेशियो, और कितनी जो है ड्रग हमारी वहां टिश्यू तक या फिर ऑर्गन बोले या फिर बॉडी तक पहुंच गई है, उन दोनों का रेशियो होता है क्या, डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसको दूसरी तरह से समझते हैं, इधर आ जाइए, क्या है ब्लड जो हमारी ड्रग है वो कहाँ थी, जीआईटी में थी, जीआईटी से कहाँ चली गई, ब्लड में, ये हो गया एब्जॉर्प्शन। अब क्या है, तीन कंपार्टमेंट होते हैं। पहला है हमारा ब्लड, हमारी ड्रग क्या है, बाइंड, ड्रग जो है भी किसी भी चीज से बाइंड नहीं है, पर इस ड्रग को कहाँ जाना है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जाना है, फिर इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में जाना है, और फिर लास्ट में जाकर के उसे क्या करना है, अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाना है, ठीक है। अभी जो आपकी ये ड्रग है वो क्या है कि बाइंड होगी किसी प्लाज्मा प्रोटीन के साथ, हमारी जो ब्लड है उसी में पाया जाता है प्लाज्मा प्रोटीन। अब हमने आपको बताया ना कि ऐसे जो जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो इजिली तो वो भी क्रॉस कर नहीं सकता, हमारी जो ड्रग नॉर्मल जीआईटी में भी थी तो उसको सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके कहाँ जाना था, हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाना था। तो उसके लिए भी क्या था, बहुत सारी चीजें लग रही थी, क्योंकि कई सारे डिफ्यूजन था, फैसिलेटेड डिफ्यूजन था, पैसिव डिफ्यूजन था, तो कई तरीके से हम जो है उसको क्रॉस करवा रहे थे, तो इतना तो ईजी होता नहीं है। तो इसको क्रॉस करने के लिए अब ब्लड में क्या होता है, प्लाज्मा प्रोटीन होता है, ड्रग क्या करती है प्लाज्मा प्रोटीन के साथ जाकर के बाइंड हो जाती है। जब ये ड्रग इसके साथ बाइंड हो जाती है तो वो फिर इजिली एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आ जाता है। जब ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आ गया तो इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ड्रग और क्या मिला हुआ है, हमारा प्लाज्मा प्रोटीन मिला हुआ है। अब हमें क्या करना है, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड को क्रॉस करना है। इंट्रा सेलुलर फ्लूइड को क्रॉस करने के लिए क्या चाहिए, ये जो हमारी जो इसके जो पोर्स होते हैं ना बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। कॉम्प्लेक्स ने तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को क्रॉस कर लिया, लेकिन जो अब ये कॉम्प्लेक्स जो है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड को क्रॉस नहीं कर पाएगा, तो ये जो हमने प्रोटीन थी ना इसको यहीं पे छोड़ देंगे, छोड़ देंगे तो केवल फ्री फॉर्म ऑफ ड्रग जो है वही इंट्रा सेलुलर फ्लूइड को क्रॉस कर पाएगा, प्रोटीन को हमने यहीं पे लीव कर दिया। अब यहाँ पर आता है हमारा ड्रग जो कि कैसा है, फ्री फॉर्म में है, ये जो है जाकर के रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा और अपने फार्माकोलॉजिकल एक्शन देता है। ये चीज क्लियर हो गई कि नॉर्मली जब इसे क्रॉस कराना था तो ये क्या किया, प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड किया, फिर बाइंड होकर के पहुंच तो गया, लेकिन जब उसे अगले स्टेप में जाना है तो उसे क्या करना है, उस प्रोटीन को वहीं पे छोड़ना पड़ेगा, फिर ड्रग वहां पे फ्री फॉर्म में पहुंचती है, रिसेप्टर के साथ बाइंड होकर के अपने फार्माकोलॉजिकल एक्शन को देती है। ये हो गया पूरा क्या, डिस्ट्रीब्यूशन। अब जैसे कि कुछ फैक्टर्स थे जो कि एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट कर रहे थे, ठीक इसी तरीके से कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं
जो किसे अफेक्ट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन को, उसके बारे में जानते हैं। पहला होता है ड्रग का नेचर। ड्रग के नेचर के बारे में हमने बताया था कि ड्रग अगर आपकी छोटी है तो क्या होगी, वो इजिली हर जगह जाकर के डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ड्रग अगर बड़ी है तो वो टूटेगी, लंबा समय लगाएगी तब जाकर के डिस्ट्रीब्यूट होगी। फिर हमने बताया था ड्रग अगर सॉल्यूशन फॉर्म में है तो वो जल्दी से जाकर के एब्जॉर्ब होकर के जल्दी से जाकर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो ड्रग का नेचर कैसा है वो डिपेंड करता है। अब जैसे दो तरह की ड्रग होती है, एसिडिक होती है, बेसिक होती है। अगर बहुत ज्यादा एसिडिक है, बहुत ज्यादा बेसिक है, तब तो वो बहुत जल्दी जाकर के एब्जॉर्ब हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। लेकिन अगर वीक है तो उससे पहले क्या होता है, अनायनाइज फॉर्म में कन्वर्ट होती थी, तब जाकर के वो डिस्ट्रीब्यूट होगी। ये चीज क्लियर हो गई। अब आता है पार्टीशन कोफिशियंट। पार्टीशन कोफिशियंट क्या होता है, देखिए ये समझते हैं। इससे पहले ये समझते हैं कि दो तरह की ड्रग हो सकती है, या तो हाइड्रोफिलिक होगी या तो हाइड्रोफोबिक होगी। अगर ड्रग आपकी हाइड्रोफोबिक है तो उसका जो पार्टीशन कोफिशियंट होता है वो कम होता है, और अगर किसी भी ड्रग का पार्टीशन कोफिशियंट कम है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होता है। तो आपको वाइस वर्सा में कंफ्यूज नहीं करते हैं, क्योंकि इसी का जो उल्टा होगा वो क्या होगा, हाइड्रोफिलिक का होगा। तो बस मोटा मोटा इतना जानते हैं कि अगर आपकी ड्रग ऐसी है, हाइड्रोफोबिक है, तो उसका पार्टीशन कोफिशियंट कम होगा, और जिस भी चीज का पार्टीशन कोफिशियंट कम होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होता है। नेक्स्ट चीज है, नेक्स्ट फैक्टर है हमारा क्या, फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आपकी ड्रग है, उसे रिसेप्टर के साथ बाइंड होना है, तो इसी रिसेप्टर के साथ इसको बाइंड होना है। रास्ते में बहुत सारे रिसेप्टर्स मिल जाएंगे, है ना, तो हो सकता है कि इसके साथ बाइंड हो जाए, थोड़ा सा इसके साथ बाइंड हो जाए, इसके साथ बाइंड हो जाए। अगर शेप सेम है तो, अगर उन रिसेप्टर्स का शेप सेम है तो जाकर के बाइंड हो जाएगा। इसके साथ ही बाइंड होता तो फिर वो अपना जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है वही देता, पर और चीजों से बाइंड होता चला जाता है तो एडवर्स इफेक्ट देने लगता है। तो ये क्या है, ये सारे बैरियर्स हो गए रास्ते में। हमें बाइंड होना था इसी के साथ, लेकिन हम और भी जगह से बाइंड होते चले जा रहे हैं। तो ये सारे जो बैरियर्स आ रहे हैं यही होते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर। नेक्स्ट आता है हमारा क्या, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग के बारे में अभी हमने ये चीज पढ़ा था, क्या होता है, जो ड्रग होती है वो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड होती है तभी एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड के साथ क्रॉस कर पाती है। पर अब ड्रग को जाना है इंट्रासेलुलर फ्लूइड में। अगर यही प्लाज्मा प्रोटीन की बाइंडिंग बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो गई है तो फिर तो ये अलग ही नहीं हो पाएगा, अलग ही नहीं हो पाएगा, तो क्या होगा, जो ड्रग है फ्री फॉर्म में जाकर के रिसेप्टर के साथ बाइंड ही नहीं हो पाएगी। बाइंड होना तो दूर की बात है, वो पहले इंट्रासेलुलर फ्लूइड को क्रॉस ही नहीं कर पाएगी, क्योंकि क्रॉस करने की पहली शर्त यही है कि ड्रग को फ्री फॉर्म में ही वहां से रिलीज होना है। तो ये चीज हो गई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। तो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग भी अफेक्ट करती है डिस्ट्रीब्यूशन को। अगर बहुत ही कस के पकड़ रखा है तो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन कम हो जाएगा। अगर क्या है कि लूज लूज मतलब उसकी वो है बॉन्डिंग है, तब वो इजिली वहां से अपना डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब जैसे दो ड्रग आती है, एसिडिक ड्रग और बेसिक ड्रग। जो एसिडिक ड्रग होती है वो बाइंड करती है प्लाज्मा एल्ब्यूमिन से, और जो बेसिक ड्रग होती है वो बाइंड करती है अल्फा वन एसिड ग्लाइकोप्रोटीन से। ये एग्जाम में दो बार आ चुका है कि जो एसिडिक ड्रग है वो किस प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड करती है और बेसिक ड्रग किसके साथ बाइंड करती है। तो ये चीज क्लियर हो गई कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या चीज होता है। अब फार्माकोकाइनेटिक्स का जो थर्ड स्टेप आता है वो होता है मेटाबॉलिज्म। अब हम मेटाबॉलिज्म के बारे में समझते हैं। है क्या मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म भी फार्माकोकाइनेटिक का थर्ड स्टेप होता है। मेटाबॉलिज्म का पर्पस जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि जो हमारी ड्रग होती है वो कहाँ पर आकर के बाइंड होती है, रिसेप्टर से बाइंड हो जाती है। यहाँ तक हमने पढ़ा था, वो कहाँ पे पढ़ा था, डिस्ट्रीब्यूशन में। अब रिसेप्टर के साथ बाइंड हो गई है तो लंबे समय तक अगर यही रिसेप्टर के साथ बाइंड रहेगी तो क्या होगा, अगर मान लो फिर हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हम वही ड्रग लेंगे। अब वो ड्रग लेंगे तो फिर वो उसको भी तो उसी रिसेप्टर पर बाइंड होना है ना, तो पहले वाली ड्रग का वहां से रिमूवल होना भी जरूरी है। और साथ में अगर वो लंबे समय तक वहां पे बाइंड रहती है लंबे समय तक हमारी बॉडी में रहती है तो क्या होगा, दूसरी दूसरी डिजीज कॉज करने लगेगी। तो एक टाइम पीरियड होता है कि उतने ही देरी तक उसको बस उसके साथ बाइंड रहना है, उसके बाद उसको रिसेप्टर को छोड़ करके अलग हो जाना है। अब ये जब रिसेप्टर को छोड़ करके अलग होगी तो क्यों होगी, मतलब कैसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है कि हम उसके क्या करेंगे कि जो भी चेंज है उसका, जो शेप वगैरह है ड्रग का, वो चेंज कर देंगे या उसकी प्रॉपर्टीज में चेंज कर देंगे कि वो इजिली हमारी बॉडी से रिमूव आउट होने लायक हो जाएगी। तो ये होती है हमारी मेटाबॉलिज्म। अब इसको डेफिनेशन से समझते हैं। बायोकेमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ वन केमिकल फॉर्म टू अनदर। हमने क्या किया, उसके फॉर्म को चेंज करके कुछ और ही बना दिया, या फिर हम कह सकते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फार्माकोलॉजिकल सबस्टेंस
इन द बॉडी सो दैट दे कैन एलिमिनेट मोर इजली। जो हमने ड्रग लिया वो क्या है, फार्माकोलॉजिकल सबस्टेंस ही है, उसमें हमने कोई भी चेंज कर दिया ताकि वो हमारी बॉडी से इजली रिमूव हो जाए। अब ये जो सबसे ज्यादा मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी में कहाँ हो जाता है ड्रग का, लीवर में। लीवर में ही क्यों, क्योंकि लीवर में वो सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब ड्रग के मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत सारी रिएक्शंस इन्वॉल्व हो सकती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रेशन, कॉन्जुगेशन, कंडेंसेशन एंड आइसोमराइजेशन। अब क्या है, मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि जो ड्रग होती है वो दो तरीके की हो सकती है, मतलब व्हेन अ ड्रग इज मेटाबोलाइज इज कम इनटू इनएक्टिवेटेड, हाउएवर मेटाबोलाइट ऑफ सम मेडिकेशन बिकम्स एक्टिव। जैसे कुछ ड्रग्स होती हैं जो हम क्या करते हैं, एक्टिव फॉर्म में लेते हैं और वो क्या होता है, मेटाबॉलिज्म के बाद इनएक्टिव हो जाता है। पर कुछ ऐसी ड्रग होती हैं जो कि हम इनएक्टिवेटेड फॉर्म में लेते हैं जो कि मेटाबॉलिज्म के बाद एक्टिव हो जाती है। बात समझ में आ रही है, दो तरह की ड्रग हो गई, एक तो हम एक्टिव फॉर्म में ले रहे हैं बॉडी में मेटाबॉलिज्म के बाद वो इनएक्टिव हो रही है, और या तो हम ऐसी ड्रग ले रहे हैं जो कि इनएक्टिव फॉर्म में है, जैसे कि हम प्रो ड्रग भी कह सकते हैं, वो मेटाबॉलिज्म के बाद एक्टिव होती है। उनका एक पूरा क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन क्या कहें, एक तरीके से वो है, एक आपको हम समझा देंगे, आपको समझ में आ जाएगा नेक्स्ट क्लास में, जो कि हम आपको बताएंगे कि ड्रग्स हैं और वो एक्टिवेटेड फॉर्म में हैं तो वो इनएक्टिवेटेड में फॉर्म में कन्वर्ट होकर कैसी दिख रही हैं, इनएक्टिवेटेड वाली हैं तो वो क्या होगी, कन्वर्ट होकर के एक्टिवेटेड फॉर्म में क्या बन जा रही हैं, तो वो हम पढ़ेंगे, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है वो टॉपिक, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में आता है कि इस ड्रग का एक्टिव मेटाबोलाइट क्या है और इनएक्टिव क्या है। ठीक है, अब ये जो आ रहा है मेटाबोलाइट, जो कुछ मेटाबोलाइट जो होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, तो ये जो मेटाबोलाइट होते हैं, जो जिन्हें कि हम एक्टिव मेटाबोलाइट भी कह सकते हैं, जिन्हें हमने क्या किया था, एक्टिव फॉर्म में लिया था, एक तो इनएक्टिव में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, पर कुछ ऐसी ड्रग थी जो कि इनएक्टिव से एक्टिव हुई थी, तो जो इनएक्टिव से एक्टिव हुई थी उसको हम बोलते हैं एक्टिव मेटाबोलाइट। ये एक्टिव मेटाबोलाइट जो होती है उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो एक्टिव वाली ही जैसी होती है, पर थोड़ी सी ये वीकर रिएक्शन शो करती है, पर यही ये भी जाकर के उसी जो पर्टिकुलर रिसेप्टर होता है जाकर के बाइंड करती है। जिसके क्लियर हो गई। अब आता है कि ये जो पूरा मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस हो रही है उसमें क्या होता है कि जो पहला तो ये हो गया हमारा एक्टिव से इनएक्टिव हो गया, इनएक्टिव से एक्टिव हो गया, ये पहला स्टेप होता है मेटाबॉलिज्म का। दूसरी क्या चीज होती है कि जो हमारी जो ड्रग है वो बॉडी से रिमूव हो जाए तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, अगर ड्रग लिपिड सॉल्युबल है तो उसको वाटर सॉल्युबल करना पड़ेगा ताकि वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो सके। वाटर सॉल्युबल रहेगी तभी तो एक्सक्रीट हो पाएगी। नेक्स्ट आता है हमारी अनआयनाइज्ड कंपाउंड, अनआयनाइज्ड कंपाउंड है तो उसको आयनाइज्ड कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं। ये आयनाइज्ड क्या चीज होती है, आयनाइज्ड जो फॉर्म होता है वो क्या करता है, ज्यादा ज्यादा वाटर को अपने पास एब्जॉर्ब करके वो कॉम्प्लेक्स बना लेता है। अब चूंकि उसके पास वाटर कॉम्प्लेक्स है, वाटर का अमाउंट ज्यादा है, तो वो वाटर में इजिली वो होगी, डिजॉल्व होगी और बॉडी से रिमूव हो जाएगी, क्योंकि हमें तो पूरा हमारे जो मेटाबॉलिज्म है उसका तो पर्पस यही है ना कि जो हमने ड्रग ली है वो बॉडी से रिमूव हो जाए। रिमूव करने के लिए हमने क्या किया, या तो उसको एक्टिव से इनएक्टिव कर दिया, या तो हम कर सकते हैं उसके फॉर्म को ही चेंज कर दो, रिसेप्टर से अलग हो जाएगी, बॉडी से रिमूव हो जाएगी, क्योंकि लंबे समय तक रहेगी तो नुकसान करेगी। तो ये सारी चीजें थी मेटाबॉलिज्म के बारे में। अब कल की क्लास में हम ये पढ़ने वाले हैं कि ये जो ड्रग है एक्टिव से इनएक्टिव में कन्वर्ट हो रही है, ठीक, इनएक्टिव से एक्टिव में कन्वर्ट हो रही है, तो हम कुछ ड्रग्स के बारे में समझेंगे और हम समझेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स का जो लास्ट स्टेप है वो है एक्सक्रीशन, कि हमारी बॉडी में किडनी के थ्रू एक्सक्रीशन कैसे कैसे होता है, या फिर केवल किडनी के ही थ्रू एक्सक्रीशन होता है या और भी जरिए होते हैं दवा को एक्सक्रीट करने के लिए, तो सारी चीज़ों के बारे में हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए इंतज़ार करिए, हम आएंगे फिर आपको पढ़ाएंगे, तब तक के लिए।